हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नियर मिस क्या होता है। नियर मिस को हम लोग डिफिनेशंस को सबसे पहले जानेंगे नियर मिस के, उसके बाद से हम लोग जो है कि इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू जो है कि देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नियर मिस क्या होता है। नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो नियर मिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके डिफिनेशंस को। देखिए, दिया हुआ है कि एन अनप्लानेड अनवांटेड इवेंट्स दैट हैज द पोटेंशियल टू लीड टू इंजूरी डैमेज और लॉस। बोल रहा है कि कोई भी ऐसा अनप्लानेड घटना, यानी कि अनप्लानेड यानी कि जिसकी आपने प्लानिंग न की हो, अनवांटेड घटना यानी कि अवांछित घटना जिसको आपने चाहा जो है कि क्या हो, न हो, इवेंट दैट हैज द पोटेंशियल टू लीड टू इंजूरी डैमेज और लॉस। कोई भी ऐसी अनप्लानेड अनवांटेड घटना जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की पूरी क्षमता जो है कि क्या थी, बट डिड नॉट इन फैक्ट डू सो, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, तो उस घटना को जो है कि हम लोग क्या बोलेंगे, नियर मिस बोलेंगे। कोई भी ऐसी अनप्लानेड अनवांटेड घटना जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की पूरी क्षमता थी, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, यानी कि उस घटना ने नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन उसके अंदर क्षमता जो है कि क्या थी, पूरी थी, उसको जो है कि हम लोग क्या बोलेंगे, नियर मिस बोलेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है कि समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नियर मिस, देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है कि क्या है, कुछ ये इसका फोल्डिंग है, यहाँ पे कुछ ईंटें रखी गई हैं, ब्रिक्स रखे गए हैं, लेकिन ये ब्रिक्स जो है कि क्या है, अनस्टेबल है, ब्रिक्स जो है कि क्या है, अस्थिर है, और यहाँ पे ब्रिक्स गार्ड्स भी नहीं लगाए गए हैं जो कि इसको गिरने से क्या कर सके, रोक सके, और ये स्टेबल जो है कि कंडीशन में क्या है, नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है कि क्या हो रहा है, कुछ एक पाइप लेकर के जो है कि क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ ईंटें जो है कि ऊपर से गिरती हैं, तो इन ईंटों के अंदर जो है कि नुकसान पहुंचाने की क्या है, पूरी क्षमता है। अगर हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और ऊपर से कोई ईंट गिरे तो हमको क्या कर सकता है, वो नुकसान जो है कि पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति है कहीं से जा रहा है, अगर ईंट उसके शरीर पर गिर रहा है तो जरूर एक ईंट जो है कि उसके अंदर इतनी क्या बोल सकते हैं कि उसका वजन इतना होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं जो है कि वो नुकसान पहुंचा दे। लेकिन ये व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि ये ईंटें गिर के इसके पैर के जस्ट पीछे गिर रही हैं, यहाँ पे इसके शरीर पे नहीं गिर रही हैं, तो ये जो है कि इसको नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचता है। लेकिन इस घटना के अंदर नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता जो है कि क्या थी, तो इसके लिए जो है कि इसको हम लोग जो है कि बोलेंगे नियर मिस। जैसा कि हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि कोई अनप्लानेड यानी कि बिना प्लान किया हुआ, अनवांटेड बिना चाहा हुआ घटना जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो यहाँ पे पूरी क्षमता थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसको जो है कि हम लोग नियर मिस बोलेंगे। वहीं पे अगर ये जो है कि हमारा नियर मिस जो है कि था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घटना, ये जो है कि ईंटें किसी के सर पे गिरी हैं और इसको चोट लग गया है, तो ये एक्सीडेंट कहलाएगा। क्लियर है ना? तो जब घटना हो जाएगी तो एक्सीडेंट कहलाएगा। घटना अगर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है और हुई नहीं है तो ये जो है कि नियर मिस कहलाएगा। आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और बच्चे, कुछ बच्चे जो है कि, हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं, आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चे ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और जैसे ही आप बाइक से जा रहे हैं आपके सामने से जो है कि क्या होता है, फुटबॉल आके चला जाता है आपके फेस के सामने से, ये भी जो है कि एक नियर मिस का एग्जाम्पल है। उस फुटबॉल में जो है कि जितनी तेजी से वो आ रहा था उसके अंदर आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। अगर आपके फेस पे लगता या शरीर पे लगता तो हो सकता था कि आपकी गाड़ी अनबैलेंस है और आप गिर जाएं, और अनबैलेंस होने की वजह से जो है कि आप किसी चीज में टकरा जाएं और आपको चोट जो है कि लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इस घटना को जो है कि हम लोग नियर मिस बोलेंगे। ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी एम्प्लॉयड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो है कि शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।